बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको बनी इसराइल के दौर की एक प्यारी प्यारी कहानी सुनाता हूँ। एक औरत कहीं खाना खाने बैठी, जंगल था, रोटी उसने टुकड़े किए, तो अभी खाने बैठी तो एक फकीर आया, उसने रोटी मांगी तो उसको एक टुकड़ा रोटी का दे दिया, फकीर चला गया। उस औरत का बच्चा करीबी था, पड़ा था, छोटा बच्चा। तो इतने मेरे को भेड़िया आया, वुल्फ इसको बोलते हैं, वुल्फ आया और उसने बच्चे को उठाया, उठाकर भागा। औरत तो खा गई, कब तक मेरे बच्चे को खा जाएगा, मार डालेगा। तो औरत उसके पीछे दौड़ी कि मेरा बच्चा छोड़, मेरा बच्चा छोड़। इतने में एक फरिश्ता आया, उसने उस वुल्फ से बच्चा छीन लिया और उस औरत को देते हुए कहा कि लुकमे के बदले लुकमा, मैं तुमने अल्लाह की राह में एक फकीर को लुकमा दिया तो अल्लाह ताला ने भेड़िए के मुंह में जो तुम्हारे बच्चे का लुकमा चला गया था वो बच्चा तुमको वापस अता कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो पता चला कि अल्लाह की राह में देना काम आता है। जब हम खैरात करें, सदका दें, तो इसकी बड़ी बरकतें हैं, बड़े फायदे हैं। मुसीबतें दूर होती हैं, बीमारियां दूर होती हैं, बलाएं आफतें अल्लाह की राह में देने से दूर होती हैं। तो अल्लाह की राह में हम सबको देते रहना चाहिए। अगर नाबालिग बच्चा जो है ना, वो अपनी चीज अल्लाह की राह में नहीं दे सकता। माँ बाप को चाहिए कि अपने पल्ले से पैसे हैं, खाना है, कोई मतलब चीजें हैं, वो गरीबों को, फकीरों को बच्चों के हाथों से भिजवाया करें, ताकि बच्चों का दिल सही बने और उनको राह खुदा में देने का एक जज्बा पैदा हो।